हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो है स्किन वाइटनिंग के ऊपर। हर लड़की अपनी स्किन को गोरा बनाना चाहती है, स्किन पे नेचुरल चमक लेके आना चाहती है, ग्लो लेके आना चाहती है। अगर आप भी अपनी स्किन वाइटनिंग करना चाहते हैं, स्किन को एक टोन लाइट करना चाहते हैं, स्किन को निखारना चाहते हैं, स्किन पे ग्लो लेके आना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छी वाली रेमेडी लेके आई हूँ। इसमें जो हम आज सबसे मेन इंग्रेडिएंट होगा इस रेमेडी का, वो है बनाना, मतलब केला। केले में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ई होता है, पोटाशियम होता है, जो कि हमारी स्किन पे चमक लेके आता है। साथ ही हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए सबसे अच्छा फ्रूट है। इससे अच्छा फ्रूट और स्किन वाइटनिंग के लिए नहीं हो सकता। ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है जो आपकी स्किन वाइटनिंग करता है, स्किन को लाइट करता है, इवन टोन करता है और आपकी स्किन पे चमक ऐड करता है, ग्लो लेके आता है। इसे आप ज़रूर ट्राई करना। अभी इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो जल्दी से इसे बनाते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि कोई मेरी वीडियो नहीं मिस ना कर सको। शुरू करते हैं, लेट्स गो। इसको बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए वो है बनाना। वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि बनाना इस फेस पैक का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। बनाना हमारे स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही पीछे बता दिए हैं कि स्किन को बहुत अच्छा करता है, स्किन पे चमक भी लेके आता है। अगर आपकी रूखी सूखी स्किन है, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, तो ग्लो ऐड करता है, स्किन को ग्लोइंग करने में हेल्प करता है। तो अभी आपने इसको एक चम्मच की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड इसमें डालेंगे वह मसूर दाल जो का पाउडर। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। ये भी स्किन को फेयर करने में, स्किन से सन टैन हटाने में, स्किन से स्कार्स हटाने में और स्किन से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक चम्मच मैं डाल दूँगी इस दाल का। इसके बाद हम इसमें जो डालने वाले हैं वो है टर्मरिक, मतलब थोड़ी सी हल्दी आपने लेनी है, सिर्फ चुटकी भरी। फिलहाल इसमें डालेंगे हनी, मतलब शहद। आपने यहाँ पे एक चम्मच के अराउंड शहद डाल लेना है और इन सबको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन पे चमक लेके आने के लिए, एंटी रिंकल के लिए, अगर आपके चेहरे पे रिंकल्स है, फाइन लाइन्स है, उसको हटाने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए पैक रेडी है। अभी हम इसको लगाएंगे। जब भी आपने कोई भी फेस पैक लगाते हो, उससे पहले आपने अपने चेहरे को कर लेना है नॉर्मल पानी से वॉश। उसके बाद आपने इस फेस पैक को लगा लेना है। इसका फेस पैक लगाने से पहले आपने करनी है इसकी 5 मिनट तक अच्छे से मसाज, ताकि जो आपकी डेड लेयर निकल जाए, साथ ही आपकी स्किन पे एक चमक आ जाए, साथ ही आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, सफल हो जाएगी। बनाने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको पीछे बता ही चुकी हूँ, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर आपने 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आपने एक लेयर लेके अपने चेहरे पे लगा लेनी है, फेस पैक अपने चेहरे पे लगा लेना है और सूखने तक वेट करना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब आपने इसको वॉश करना है। ये 15 से 20 मिनट में अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो फिर आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। को वॉश करने के बाद देखेंगे आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी स्किन इंस्टेंट आपको ब्राइटनर लुक भी लगेगा। तो ये थी आज की सिंपल सी रेमेडी, जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन पे चमक लेके आने के लिए, रिंकल फाइन लाइंस को दूर करने के लिए, चेहरे को टाइट बनाने के लिए कितने सारे बेनिफिट्स है यार। ये नहीं कि एक दो बार लगाने से आपकी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाएगी, आपका चेहरा इवन टोन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको जितना आप लगातार लंबे समय तक लगाते रहोगे, वैसे वैसे आपकी जो स्किन है निखरती जाएगी, एक ग्लो ऐड होता जाएगा। इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल बटन को प्रेस, ताकि मेरी कोई वीडियो नहीं मिस ना कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो। बाय बाय।